आप व्यूज़ देखिए, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में हम देखते हैं ना कि मून लैंड कहा जाता है, ये रात को इतना चमकता है। तो हम यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में रुके हुए हैं। सो ले कंप्लीट करने के बाद हम कारगिल के लिए निकल रहे हैं और सामने ही बोर्ड लगा हुआ है, थोड़े बहुत फोटो खिंचाएंगे और फिर स्ट्रेट टू कारगिल। सो जब हम ले से कारगिल की तरफ जाते हैं तो बीच में रास्ते में पड़ता है लमाई रूट, जो कि मून लैंड कहा जाता है। ये रात को इतना चमकता है, हर किसी ने ये बताया है। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक स्पॉट है, तो ज़रूर रुकें। तो जब हम कारगिल में घुसते हैं तब हमें एक द इनविजिबल विलेज मिलता है जिसका नाम ही इनविजिबल है, और वहाँ पे म्यूज़ियम देखने जा रहे हैं ट्रैक करके। आई थिंक किसी ने भी यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं किया, और जो यहाँ पर हमारे गाइड मिले हमें वो बता रहे थे कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता, और ऑलमोस्ट 50 हाउस हैं और बहुत उसमें से काफ़ी हद तक खाली भी रहते हैं। सो आप व्यूज़ देखिए, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में हम देखते हैं ना, मेरे को तो वही फीलिंग आ रही है। दिस इनविजिबल विलेज इज काइंड ऑफ माई फेवरेट, और देख रहा हूँ अभी कैसे कैसे हम ट्रैक कर रहे हैं, और बहुत अलग है। आई थिंक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया होगा ये। जब मैं इस गांव में आया फिर मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पे गिरी जो बिल्कुल ही इनविजिबल थी, इसलिए इस गांव को बोला जाता है। मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ उस चीज़ को, लगता है मैं जा सकता हूँ, एक बार कोशिश करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही टफ है यहाँ से। कुछ पत्थर पे बना हुआ है, आप देखिए ये बहुत ही मुझे ले कंप्लीट कराए और उसके बाद अब कारगिल आए थे और फिर जोरजिला पास एंड देन अब सोनमर्ग। तो हम यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में रुके हुए हैं, इट्स कॉल्ड होटल एम्पीरियर, और अब हम सोने जा रहे हैं, फिर उसके बाद सुबह सुबह घूमेंगे, देन शायद प्रोबेबिलिटी है कि हम श्रीनगर जाएँ, देन एक और सरप्राइज है वहाँ पर भी जाएंगे, वो भी बताएंगे।